पुलिस टीम लगातार आम जनता के सहयोग के लिए तत्पर है। इसी क्रम में वाराणसी ग्रामीण पुलिस की सर्विलांस टीम ने पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत त्रिपाठी ने दिशा निर्देशन में विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुम हुए 30 मोबाइल को ढूंढ निकाला, जिसे शुक्रवार को एसपी ग्रामीण ने अपने हाथों से उनके मालिकों को सौंपा। मोबाइल पाकर सभी के चेहरे खिल उठे और उन्होंने वाराणसी ग्रामीण पुलिस को धन्यवाद दिया। पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यालयों में लोग प्रार्थना पत्र देते हैं कि मोबाइल गुम हो गए हैं, गायब हो गए हैं। सामान्यतः इसकी प्राथमिकता नहीं होती, लेकिन बाकी सारे कार्यों के साथ हम गुम हुए मोबाइलों को भी तलाश करते हैं। ऐसे ही 30 मोबाइल सर्विलांस सेल ने ढूंढ निकाले हैं, जिनकी कुल कीमत 3.5 लाख है। मोबाइल देने के लिए आज सभी लोगों को बुलाया गया था, पर सिर्फ 15 लोग आए हैं जिन्हें मोबाइल दे दिया गया है। पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यालयों में लोग प्रार्थना पत्र देते हैं कि उनके मोबाइल गुम हो गए हैं, गायब हो गए हैं, तो ये सामान्यतः पुलिस की प्राथमिकता नहीं होती है, लेकिन बाकी सारा कार्य करते समय हम लोगों ने ये देखा कि उनके मोबाइल भी अगर मिल जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। और उसी क्रम में जो गुम मोबाइल थे वह 30 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसका सारा श्रेय सर्विलांस सेल को जाता है, और उनमें से 15 व्यक्ति जो आज आ पाए उनको ये मोबाइल दे दिए गए हैं। इन मोबाइल की कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है। सर, ग्रामीण क्षेत्र से कितने थानों में लगभग वे मिले? ये विभिन्न थाना क्षेत्र के हैं, मुझे लगता है सभी थानों के ये रहने वाले हैं जिनके मोबाइल गुम हुए। सर, कितने मोबाइल हैं सर बरामद हुए? ये 30 मोबाइल बरामद हुए हैं। बरामद करने वाली टीम को 2500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। किन लोगों के पास से बरामद? ये विभिन्न लोगों के पास से बरामद हुए हैं, उनके एक एक के नाम बताना कठिन है, लेकिन ये अलग अलग लोगों के पास से बरामद हुए हैं जिनको मिले थे उनके पास। इसमें कोई आरोपी नहीं होता। किसी का मोबाइल अगर गायब हो गया, किसी को मिल गया और उसने नियमता उसको जमा कर देना चाहिए, लेकिन अगर जमा नहीं किया है तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। गुमशुदगी दर्ज होती है, इसमें मुकदमा नहीं दर्ज होता है। गायब होने में, कोई सामान गायब होने में अगर दर्ज होती है तो गुमशुदगी दर्ज होती है। चोरी जिन मामलों में दर्ज थी उनका आज इस कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है, उनमें कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है। नाम है आपका? मेरा नाम केआर वर्मा है। मेरी मोबाइल मेरे गांव पे, मैं गया था एक शादी में, वहीं पे रात में गायब हो गई थी 4 मई को जी। और बहुत ही यहाँ के लोगों ने बड़े अच्छे से इसकी सर्च किया और आज हमें ये मोबाइल मिल गई। वाराणसी ग्रामीण पुलिस को क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिस स्थिति में और जैसे भी ऐसे विकट स्थिति से मोबाइल को सर्च किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। क्या लगता है कि इस तरीके से अपराध रुकेंगे और इस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस तरह से तत्परता से पुलिस काम करेगी तो निश्चित रूप से रुकेंगे जी। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश पटेल। चंद्र प्रकाश जी, आपकी मोबाइल खोई थी, मिल गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हम। हमारे हम मिर्जा मुरा से जा रहे थे और बंगला पे जो है कि हमारा मोबाइल छीना गया है। वहाँ से हम थाने में गए, वहाँ भी सपोर्ट मिला हमको साहब लोग से, यहाँ भी हमको बहुत बहुत सहायता मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीलब्रज चतुर्वेदी, मोहन सराय, भद्राशी ग्राम सभा से। मेरी आज आप मोबाइल नहीं, चतुर्वेदी जी हैं, चतुर्वेदी जी हैं। हाँ, खोई थी 8 जुलाई को, ये मोबाइल खोई हुई थी कल्लीपुर से, और आज के दिन 20-25 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ही हमको सूचना मिल गई थी कि मेरी मोबाइल प्राप्त हो चुकी है, आप आकर के यहाँ से। तो इतनी जल्दी कार्रवाई होने से बहुत प्रसन्नता है, और कानून व्यवस्था पे तो निश्चित है कि बहुत गर्व है हमको। भारत के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतने जल्दी ही त्वरित कार्रवाई होकर के लोगों को उनके हर सामग्री एकदम सही, सुलभ, अच्छे से, जैसे के तैसे मिले हैं। बहुत प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामीण पुलिस हरहुआ के। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।